महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का एक कैंपस कॉलेज है और यहाँ पर छात्र नेता है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इनकी क्या विशेष मतलब प्राथमिकताएं रहेगी, स्टूडेंट लीडरशिप को लेकर मतलब किस तरह से संजीदा है। जी अपना परिचय देते हुए बताइए आप क्या काम करना चाहेंगे। मेरा नाम भूपेंद्र पालीवाल है, मैं विज्ञान महाविद्यालय का छात्र हूँ। मैं इस बार अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ विज्ञान महाविद्यालय से। यूनिवर्सिटी में मतलब जो कॉलेज में क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर किस किस तरह के मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हाँ इस पर मैं काम करना चाहता हूँ? जैसा कि मैं बता दूं कि मेरा 2016 का इनरोलमेंट है, मेरे एमएससी हो चुकी है और अभी मेरी एमटेक चल रही है। पाँच छः सालों में मैंने ये देखा है यहाँ पर, एक तो पार्किंग व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, लाइब्रेरी में थोड़ी वो जो ई लाइब्रेरी जो होती है अपनी आजकल की उसकी बहुत कमी है, फोटोकॉपियों की मशीन नहीं है लाइब्रेरी में, नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरी चीज़ जो गार्डन जो आप देख ही रहे हो, आप गार्डन देख सकते हो साइंस कॉलेज का कैसा हो रखा है, अभी गार्डन की स्थिति बिल्कुल बुरी ख़राब हो रखी है, गार्डन में बैठने की जगह नहीं है। आम आदमी आता है बेचारे, दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं एडमिशन के लिए, उनको बैठने की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बारिश हो रही है उनको लेके टीन सेट लगाना चाहिए, यहाँ बारिश में बहुत समस्या आती है। दो चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ जो बच्चे एडमिशन लेने के बाद उनके जो दिक्कत आती है, समस्या आती है उनके सामने, वो भाई क्रिकेट में हो गया, कुछ भी हो गया, फुटबॉल में हो गया, उनके जो ग्राउंड है अपने एमबी ग्राउंड है उनकी बहुत समस्या है, वहाँ ग्राउंड सही नहीं है। हॉस्टल में जो सीटों के मतलब सीटें कुछ लिमिटेड रहती है उसको लेकर आप कुछ क्या कुछ करेंगे? एडमिशन तो देखो साइंस कॉलेज विज्ञान महाविद्यालय में 4000 बच्चों के एडमिशन होते हैं और हॉस्टल में एडमिशन मात्र 100-150-200 एडमिशन होते हैं गर्ल्स के, बहुत कम संख्या हॉस्टल में है। ग्रामीण इलाकों से बच्चे आते हैं उनके लिए फिर आपका क्या वो एजेंडा रहेगा? कि हमारा एजेंडा यही रहेगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स है पहले गर्ल्स को प्रायोरिटी मिले, गर्ल्स के जो हॉस्टल है उनकी थोड़ी सीटें बढ़ाई जाए ताकि क्या है जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं गर्ल्स आ रही है उनको यहाँ रहने की व्यवस्था हो सके पहली बात। चलिए ठीक है। और स्टूडेंट्स जो अभी प्रवेश में परीक्षा में और जो परिणाम में ज़्यादातर छात्र बताते हैं कि उसमें ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है, उसमें आपके क्या कोर चेंजेस रहेंगे कि हाँ मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ, उस वजह से मतलब बच्चों को कम से कम प्रॉब्लम हो? स्टूडेंट जैसे अभी आप देख ही रहे हो, अभी काउंसलिंग चल रही है बीएससी फर्स्ट ईयर की, बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आती है, किसी के फीस की दिक्कत आती है, तो ये सब चीज़ें क्या है कॉलेज को पहले प्रोवाइड करवा देना चाहिए बच्चों को। बच्चे को एक मैसेज जाना चाहिए कॉलेज से यूनिवर्सिटी से कि भाई आपका इस दिन का एडमिशन है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करा देने चाहिए, कम से कम उनको समय दिया जाए थोड़ा, तो 15 दिन में डॉक्यूमेंट्स उनके वेरीफाई करवा लें, उनको तैयार करवा लिया जाए उनको, ताकि एडमिशन के टाइम पर उनके समस्या फेस नहीं करनी पड़े, मेन चीज़ तो ये है। जी अपना नाम बताइए, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? निखिल चिपा महिमा वैष्णव जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी वो किसके लिए दावेदारी कर रहे हैं? वो कॉलेज गर्ल्स के लिए, गर्ल की सुरक्षा के लिए, उनके कुछ भी काम काज के लिए, कॉलेज में किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता के लिए उनके लिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि मतलब ये जीत पाएंगे? जीत पाएंगे पक्का। कैसा है लोगों का सपोर्ट? ठीक है, अच्छा है बिल्कुल, हर से व्यवहार अच्छा है उनका, स्टूडेंट के साथ हर स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं वो। भाई गर्ल्स में कोई आगे नहीं आया है, आप आगे आए हैं तो मतलब ऐसी कोई तो बात होगी। हाँ वो गर्ल्स के हर जगह लड़के का, उन्होंने गर्ल्स मतलब हिम्मत की, उन्होंने गर्ल्स की मदद करने के लिए गर्ल्स का सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है। जी अपना नाम बताइए। कमलेश गैरी। आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? माई महिमा विष्णु को। अच्छा क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सर गर्ल्स के लिए कर रहे हैं, ये भी गर्ल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी फीमेल कैंडिडेट नहीं है, सब बॉयज़ कैंडिडेट्स हैं। तो अब तक यूनिवर्सिटी में मुझे भी कोई फीमेल कैंडिडेट दिखा नहीं है। हाँ और एकमात्र कैंडिडेट दिखे हैं तो आप इस हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ चलिए बढ़िया बात, नमस्कार बताइए। नमस्ते, मेरा नाम महिमा वैष्णव है, मैं यूनिवर्सिटी इलेक्शन की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि मैं लड़कियों के लिए काम करूं और लड़कियों के लिए खड़ी रहूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बॉयज़ के साथ कोई भेदभाव करने वाली हूं, ऐसा नहीं है कि बॉयज़ भी और गर्ल्स भी दोनों ही बराबरी के इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। मैं बिल्कुल सभी के लिए काम करना चाहती हूं और अभी तक कोई गर्ल कैंडिडेट नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि गर्ल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक गर्ल कैंडिडेट होना ही चाहिए, तो उसके लिए मैं आई हूँ, दावेदारी कर रही हूँ और मैं अपने भाई और बहन जो भी इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है उनसे यही अपेक्षा करती हूँ कि वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे अपनी बहन समझ के और बिल्कुल मैं उनके लिए काम करूँगी। महाविद्यालय में ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई समस्या जिसको लेकर आप कुछ काम करना चाहते हो, लाइक जैसे गार्डन है, हॉस्टल है या कोई और भी जिनके ऊपर बात की जा सकती है, कोई ऐसे इश्यूज आपके? बिल्कुल, मेरे मेन मुद्दा ये है कि एक तो प्लेसमेंट को लेके जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, मैं एमएससी केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ तो ये खुद के ऊपर है मेरे ऊपर कि
अगर अभी मेरी एमएससी कंप्लीट हो जाती है तो मेरे को प्लेसमेंट का ही नहीं पता है। हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनको प्लेसमेंट की बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैं उस चीज़ पे बिल्कुल काम करने वाली हूँ। और गर्ल्स की जो है 50% फीस माफ़ हो, इसके लिए मैं काम करने वाली हूँ। और यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ तक सिटी बसों का चलाया जाए। और ऐसे हमारे बहुत से मुद्दे हैं, गेम्स में भी हूँ मैं, तो उसे लेके भी हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं काम करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवा छात्र नेता है जिनसे, वो किस तरह से छात्र राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं और क्या उनकी प्रायोरिटीज है, क्या कोर इश्यूज है जिनके ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी अपना परिचय दीजिए और बताइए। नमस्कार बहनों, मैं निखिल चिलानी विज्ञान महाविद्यालय उपाध्यक्ष पे जो दावेदारी रखता हूँ और विज्ञान महाविद्यालय में एक साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे भाइयों को बस यही कहना चाहता हूँ कि आज ऐसा बच्चों का एडमिशन हो रहा है और आज ये मेरे सारे भाई लोग हमारे साथ मेहनत पे तुले हुए हैं और ये सब भाई लोग आज नए बच्चे जैसे हम अंदर एडमिशन के लिए आते हैं, किसी बच्चे को ये नहीं पता हमारे को फीस जमा कहाँ करानी है, हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमारे को क्या क्या चाहिए। जैसे आज ये भाई मेरे साथ आए, ये इन्हों का आज एडमिशन है, इन्हों का एडमिशन है, इनको पता ही नहीं चल रहा था कि आज इनको क्या करना है, कौन सा फॉर्म जमा कराना है। इसलिए मेरे और मेरे सब भाइयों से मिलकर सारे हम कॉलेज के स्टूडेंट ने लेकर ये हमने आज पूरा हमारा एक काउंटर लगाया है निखिल चिलानी का काउंटर के साथ, काउंटर भी ये सब हमारे भाई लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये काउंटर पे हम सब भाई लोग साथ बैठे हुए हैं। और हर बच्चे की हम जाते हैं, जैसे आज 400 बच्चों का एडमिशन होता है तो 400 में से एक भी बच्चा हम छूटे ना, सब बच्चों का प्रॉपर एडमिशन हो, सब बच्चों का करियर साफ हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर एक बच्चे का एडमिशन हो और एक साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ कॉलेज में और मैं ये चाहता हूँ। ये तो रही आपके स्ट्रगल की बात, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, मतलब आगे आप क्या ऐसा करेंगे? जी राजनीति में जीत गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके क्या कोर वैल्यूज रहेंगे जिसके ऊपर आप काम करेंगे? सबसे पहली बात, अगर मैं छात्र राजनीति में जीतता हूँ या नहीं जीतता हूँ इससे मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि छात्र सर्वोपरि, हर छात्र का हर कार्य हमेशा समय पर होता रहे और कोई भी कोई कार्य को इस साइंस विद्यालय में कभी भी किसी छात्र को कोई दिक्कत ना है। मैं सबसे पहले, अगर आज से थोड़े दिनों पहले विज्ञान महाविद्यालय बीएससी का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में सब बच्चे असंतुष्ट थे, एक भी बच्चा संतुष्ट नहीं था, अधिकतर बच्चों को फेल कर दिया गया था। उस छात्र नीति कारण मैंने ज्ञापन दिया था, क्या बोलते हैं उसमें, यूनिवर्सिटी में ज्ञापन दिया था और सभी बच्चों को मैंने शक्ति प्रदर्शन करके अपना शर्ट खोल दिया था कि सब बच्चों को पास किया जाए और उसका रिजल्ट हमारे जल्दी मिल जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले हमारे कंप्यूटर, आधे से ज़्यादा कंप्यूटर लैब में बंद है, आधे जगह सभी कंप्यूटर को चालू किया जाए। आज भी अगर आप आईडी में जाके देखते हैं तो मैंने ज्ञापन पूरा लिख रखा है, मैंने सब कंप्यूटर सही करवाए, हॉल में पंखे बनते हैं वो सही कराए। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि छात्रों में, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, सबसे पहले ई रिक्शा का प्रबंध किया जाए। ई रिक्शा अगर हमारे छात्र में होगी, सबों को सुविधा होगी तो सब एक साथ घूम सकेंगे और सभी को कोई दिक्कत नहीं आएगी इधर से उधर होने की। और सेकंड बात मैंने ये, और ना बच्चों को खाने की व्यवस्था है ना रहने की व्यवस्था है, इसलिए अगर बॉयज़ हॉस्टल का निर्माण होता है तो फिर सब बच्चों को पीजी में रहकर ज़्यादा फीस भरने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे गरीब वर्ग से होते हैं, कोई बच्चे फीस भरने में समय होते हैं पर वो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो उन बच्चों के लिए, अच्छे अच्छे परसेंटेज वाले बच्चों के लिए हम हॉस्टल की सुविधा करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे जो फीस है इतनी 30,000 बच्चों की लग रही है, अधिकतर बच्चे यहाँ से रिटर्न होकर जा रहे हैं कि 30,000 भी नहीं भर पा रहे हैं वो, उन बच्चों के लिए मैं फीस माफ़ करवाऊंगा अगर मैं जीत जाता हूँ। मैं निखिल चिलानी विज्ञान महाविद्यालय आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, प्रॉपर उदयपुर से हूँ, लोकल उदयपुर से, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास रहता हूँ। अगर किसी भी छात्र को विज्ञान महाविद्यालय का है, अगर पूरी यूनिवर्सिटी का है, तो 24/7 रात हो या दिन मेरे लिए, मैं उसके लिए हर कार्य करने के लिए तत्पर हूँ। भारत माता के निखिल, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। निखिल, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अनुज शर्मा, मोहनलाल चुकड़े विश्वविद्यालय छात्र संघ, केंद्र छात्र संघ महासचिव प्रत्याशी, मैं ये सभी छात्र हित के लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। कल भी लड़ता था, आज भी लड़ता हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। आप सभी सर, सबसे पहले तो एक तो स्टूडेंट के लिए अपन को फीस कम करानी है, फीस बहुत ज़्यादा ली जाती है और गवर्नमेंट कॉलेज है एक हिसाब से देखा जाए तो, गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी फीस इतनी, अगर मतलब 30,000 रुपये साइंस में लगती है, मतलब लिमिटेड सीट्स होती है जिसमें गवर्नमेंट की फीस लगती है 5,000 समथिंग, बाकी के 30,000 रुपये लगते हैं। तो इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि मीडियम जिनके जिनके परसेंटेज, जिनके 1-2% ही कम होते हैं, उनके डायरेक्ट 30,000 रुपये क्यों? थोड़े से जनों के लिए 15,000 वाली भी सीट रखनी चाहिए, आधों की 5,000 वाली होती है गवर्नमेंट सीट, किसी की 15,000 वाली सीट भी होनी चाहिए और उसके बाद में जिसके परसेंट लो है उनकी आप 30,000 रखो ना। किसी न किसी के, खुदा न करता किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके परसेंट किसी कारणवश एग्ज़ाम में इतना ढंग से एग्ज़ाम नहीं हो दे पाता है और 5-10% कम बनते हैं,
फिर उसके बाद में उसको उसका नतीजा थोड़ा सा कम आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सुधार की जरूरत है। महाविद्यालय में मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या प्लान है? एक तो यहाँ पे ग्राउंड है पर यहाँ पे ग्राउंड में घास बड़ी हो जाती है। अभी जैसे कि मानसून का महीना चल रहा है और यहाँ पे क्लासेज चल रही है, और आप देखो तो कॉलेज कैंपस के अंदर आपको जानवर तो दिख ही जाएंगे आपको, कहीं ना कहीं जानवर दिख ही जाएंगे। मतलब कॉलेज परिसर में सांप वाप किसी बच्चे को काट ले, इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब ये पार्किंग है, आप इस पार्किंग को देखो। हॉस्टल की जो सीटें हैं, हाँ, महाविद्यालय में कितने बच्चे एनरोल होते हैं जनरली? मतलब हॉस्टल के लिए तो देखो, गार्गी हॉस्टल है, MDS हॉस्टल है, दो तीन हॉस्टल है जिसके अंदर बच्चे उसमें एडमिशन तो लेते हैं, मतलब उसमें एनरोलमेंट तो लाते हैं, पर उसके बाद भी उनको सही भोजन नहीं मिलता है। एक तो हाँ खाने की व्यवस्था, और उनको इतना कोई सेंस नहीं है। उससे अच्छा तो बच्चा फ्लैट लेके रहने में ज़्यादा अपने आप को फ्री समझता है। इसके ऊपर भी आप काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और सर, एक तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आप एक ऑनलाइन वेब ऐसा डाउनलोड करो कि आपके व्हाट्सएप पे, मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से ये चाहता हूँ, हाँ पोर्टल की मैं वो डिमांड नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं वो डिमांड करना चाह रहा हूँ कि एक तो एक ऐसा पोर्टल रखे कि जिसके अंदर, जैसे कि अभी कितने ही बच्चों के एग्जाम ड्यू रह गए, आप एक व्हाट्सएप पे ऐसा ब्रॉडकास्ट बनाए कि इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हुए जितने भी स्टूडेंट है उनके एग्जाम जो भी है, किसी के एग्जाम है, जैसे कि कोविड में अभी कितने पेपर छूट गए, किसी के कितने क्या पेपर छूट गए, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो ऐसा ब्रॉडकास्ट बना जाए व्हाट्सएप वेब से लेके, मतलब उन तक सूचना पहुँच जाए भले ही वो प्राइवेट हो या रेगुलर है, कोई भी हो, क्योंकि कितने बच्चों के एग्जाम छूट गए, अब उनको कोविड स्पेशल केस में उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो सर, हर बच्चा, कितने ही बच्चे यहाँ से विलेज से गाँव से बिलोंग करते हैं, उनके पास फ़ोन हो नहीं हो, टेलीफोन हो नहीं हो, क्या मालूम, अपन भी मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो तो बिल्कुल विलेज से आते हैं, वहाँ उनके पास अगर फ़ोन भी होगा तो उनको रेंज में आने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा या गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, फिर रेंज में आके वो न्यूज़ देखेंगे। और ऐसी न्यूज़ सर रोज़ से रोज़ अपडेट तो सर कोई भी नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं छोटा मोटा छूट ही जाता है सर। इसका बच्चों को मतलब खामियां से भुगतना पड़ रहा है सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर, 35 बच्चे मेरे ध्यान में ऐसे हैं जिनके कम से कम उनके दो दो तीन तीन पेपर छूट गए। और सर, इस कोविड स्पेशल केस में सर मैं यही मानना चाहता हूँ कि सर इनको एक तो व्हाट्सएप वेब से ऐसा एक ब्रॉडकास्ट बना जाए कि इस यूनिवर्सिटी लेवल पे, मतलब 12,000 स्टूडेंट है, 12 से 13,000 जनों का एनरोलमेंट है, आप सबका एक ब्रॉडकास्ट बनाए। और अरे मेरा भी फोटो लगा भूपेंद्र पालीवाल जिंदाबाद, भूपेंद्र पालीवाल जिंदाबाद, भूपेंद्र पालीवाल जिंदाबाद। विश्वजीत सिंह शक्तावत को सपोर्ट कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं? मेरा नाम विश्वजीत सिंह शक्तावत है और मेरा मत एवं समर्थन रौनक राज सिंह शक्तावत को है। जिस प्रकार रौनक राज सिंह शक्तावत ने कोरोना काल में 2 साल रहकर और बच्चों के बीच में रहकर 365 दिन उनके लिए काम किया है, संघर्ष किया है, उसके लिए मैं रौनक राज सिंह शक्तावत के साथ में हूँ। क्या ऐसे कॉलेज के कोर इश्यूज हैं जिनको लेकर काम करना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा समस्या आती है बच्चों को एग्ज़ाम में। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी का मन बहलता है वो अपने एग्ज़ाम की डेट चेंज करा देती है। अच्छा। बच्चों के काफ़ी शेड्यूल्स होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वजह से सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता ये रही है कि हम बच्चों के जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसको कंप्लीट कराएँ। बच्चों की प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल। कॉलेज के कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ग्राउंडों की हालत अभी खस्ता है। अच्छा। उनको सुधार कराएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी 2 साल से जो एक्टिविटीज़ बंद है, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट जो बंद है, उनको वापस सुचारू रूप से शुरू करवाएंगे। सिद्धिराज सिंह शक्तावत। किनको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा भाई रौनक राज सिंह शक्तावत है। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उसने इस यूनिवर्सिटी में काम किया है इतना। जब से कोई भी छात्र नेता यहाँ नहीं था तब उसने लगातार 3-4 साल से यहाँ पे मेहनत की है। जब से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद ये सारे छात्र नेता जितने भी व्हाइट शर्ट में घूम रहे हैं ये उसके बाद आए हैं।